नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज इस वीडियो में स्टोरी राइटिंग से संबंधित जानकारी आपको देना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी राइटिंग में आपको आउटलाइंस दिया हुआ रहता है, उस आउटलाइंस को आपको विस्तार से पढ़ना रहता है और उसको समझना रहता है। वो पूरी जो आउटलाइंस दिए हुए रहते हैं उसको समझ करके उसी के आधार पर आपको स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। जैसे आपको यहाँ पर इस स्लाइड में जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आउटलाइंस दिया गया है। इस आउटलाइंस को पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक स्टोरी डेवलप करेंगे। डेवलप अ स्टोरी ऑन द फॉलोइंग आउटलाइंस, निम्नलिखित आउटलाइंस के आधार पर स्टोरी डेवलप करना है। ए स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का होता है, लिव्स विद मदर, माँ के साथ रहता है। डेवलप्स हिज हैबिट ऑफ स्टीलिंग, बचपन में वो क्या करता है, चीज़ों को चुराने की आदत को विकसित कर लेता है। मदर डज नॉट चेक, उसकी माँ जो होती हैं वो चेक नहीं करती हैं। डेवलप्स द हैबिट व्हेन ग्रोज, और इसकी वजह से क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी आदत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो एक चोर बन जाता है और फिर वो चोरी करना शुरू करता है, फिर उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उसे दंडित किया जाता है। तो ये था आउटलाइंस, इस आउटलाइंस के ही आधार पर आपकी स्टोरी डेवलप करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस आउटलाइन से ही टॉपिक चूज करना होता है, इसमें आपको टॉपिक चूज करनी है। तो इसमें ओवरऑल क्या बात हुई, चोरी करने की बात हुई, उसकी आदत बढ़ गई, एक लड़का की छोटा सा होता है और बचपन में उसकी आदत बढ़ती जाती है, लेकिन उसकी माँ चेक नहीं करती जिसकी वजह से और भी उसकी आदत बढ़ जाती है और वो बड़ा हो जाता है और फिर वो चोर बन जाता है, फिर वो डाका डालना शुरू कर देता है, फिर उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उसे दंडित किया जाता है। तो इससे आपको टॉपिक सेलेक्ट करनी है। टॉपिक के रूप में हैबिट ऑफ स्टीलिंग, क्योंकि ओवरऑल इसमें चोरी की बात हो रही है, उसकी हैबिट है चोरी करने की, वो बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन से ही यहाँ पर टॉपिक ले लिया गया। इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ आउटलाइंस को पढ़ करके टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, उसमें आपकी कोशिश हो कि वो जो टॉपिक हो ना स्पष्ट समझ आ जाए कि किसी से संबंधित आपकी स्टोरी है। तो आंसर किस रूप में आप तैयार करेंगे, इसको कई पैराग्राफ्स में आप तैयार कर सकते हैं। कोशिश आपकी रहे कम से कम 3 पैराग्राफ्स तो जरूर हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पैराग्राफ में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट में क्या कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। देयर वॉज अ बॉय, यहाँ पर स्टार्ट करने का हर किसी का अलग अलग तरीका हो सकता है, जिसमें से एक तरीका यह है जो आप सुन पा रहे हैं। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, नेम्ड राहुल, उसका नाम राहुल था। आउटलाइन में तो एक छोटा सा लड़का की बात हुआ था, उसमें नाम तो नहीं था, लेकिन आप आंसर कंप्लीट करेंगे तो उसमें नाम भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी आपको कंप्लीट करनी है, नाम कुछ भी हो सकता है। इवन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप अलग से मेंशन कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्वेश्चन वाला नाम को शामिल कर सकते हैं। तो एक लड़का था जिसका नाम राहुल था, हु लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, जो एक छोटा सा घर में रहता था, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ रहता था, इन द सिटी ऑफ करनाल, करनाल के शहर में रहता था। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे करनाल एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है तो आप करनाल ही लें, ऐसे कोई नहीं है, आप अपने तरफ से भी कुछ दूसरे सिटी का नाम ले सकते हैं। वैसे ये करनाल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। When he was about 7 to 8 years old, जब वह 7 से 8 वर्ष का था, he developed the habit of stealing things, तब उसने क्या किया, चीज़ों को चुराने की आदत अपना डेवलप कर लिया।
इन हिज क्लास, और वो चोरी करना जो शुरू किया ना, वो अपने क्लास में ही चोरी करना शुरू किया। फ्रॉम अदर चिल्ड्रेंस बैग्स, और अपने क्लास के दूसरे बच्चों के बैग से चोरी करना शुरू किया। एंड पेंसिल बॉक्सेस, और वो दूसरे बच्चों के बैग से पेंसिल बॉक्स चुराने का काम शुरू कर दिया। पैराग्राफ टू, राहुल्स मदर, इवन आफ्टर सीइंग हिज बॉक्स, डिड नॉट आस्क फ्रॉम वेयर डिड ही गेट द एक्सपेंसिव पेंसिल्स इरेजर्स एंड पेन्स। राहुल की माँ उसके बॉक्स को देख करके भी कभी नहीं उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से इतने महंगे पेंसिल्स लाते हो, इरेजर्स लाते हो और पेन्स लाते हो। यानी उसकी माँ देखती थी कि अच्छा, वो बॉक्स ला रहा है घर पर और पेंसिल्स भी है, इरेजर्स भी है, पेन्स भी है, लेकिन माँ ने कभी भी कोशिश नहीं की पूछने की। शी वॉज रादर हैप्पी टू सी दैट हर सन नेवर डिमांडेड सच थिंग्स फ्रॉम हर। राहुल की माँ और बहुत ज़्यादा खुश होती थी, और वो खुश इसलिए होती थी कि कभी भी उनसे ये राहुल कुछ भी नहीं मांगता था, पेंसिल्स नहीं मांगता था, इरेजर्स नहीं मांगता था और पेन्स नहीं मांगता था, तो इस बात से वो बहुत खुश रहती थी। टाइम पास्ट ऑन, यानी टाइम बीतता गया। टाइम बीतता गया, फिर क्या हुआ? ग्रेजुअली राहुल स्टार्टेड स्टीलिंग मोर थिंग्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। जैसे ही टाइम बीतता गया, वो बच्चा बड़ा होता गया, धीरे धीरे राहुल ने क्या शुरू किया, चुराना शुरू किया। मोर थिंग्स यानी और भी बहुत सारी चीज़ें चुराना शुरू किया। कहाँ से चुराना शुरू किया? फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से चुराना शुरू किया। एंड क्लासमेट्स, और उसके जो क्लास के जो साथी थे उससे चुराना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उसकी आदत बढ़ती चली गई, क्योंकि माँ ने केयर नहीं किया था। पैराग्राफ थ्री, ही डिड नॉट इवन हेजिटेट टू स्टील मनी। और वो धीरे धीरे उसकी आदत इतना बढ़ गई कि अब वो पैसा चुराने में भी उसे डर नहीं लगता था। ही स्टार्टेड एंजॉयिंग हिज लाइफ मोर देन ही कुड एक्चुअली अफोर्ड टू। यानी एक्चुअल तो इतना ज़्यादा, अगर वो चोरी नहीं करता तो इतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता था, खर्च नहीं कर सकता था, इतना लग्जरी लाइफ वो नहीं जी सकता था। लेकिन जब उसने चोरी करना शुरू कर दिया था, इवन पैसे भी, तो उसने क्या किया, अपने लाइफ को बहुत ही अधिक अच्छे ढंग से एंजॉय करना शुरू कर दिया। एंड दिस हैबिट मेड हिम अ परफेक्ट थीफ। तो जिस तरह से उसके अंदर डर खत्म हो गया था, उसकी आदत चोरी करने की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो धीरे धीरे ये हैबिट उसे क्या बना दिया, परफेक्ट थीफ बना दिया। यानी बहुत ही एक्सपर्ट वो बन गया चोरी करने में। वंस व्हेन ही एंटर्ड वन हाउस, जब वो एक परफेक्ट थीफ बन गया, चोर बन गया, तो उसने फिर क्या किया, एक बार जब उसने एक घर में घुसा टू स्टील द थिंग्स, यानी चीज़ों को चुराने के लिए, ही वॉज कॉट, तो उसे पकड़ लिया गया था, रेड हैंडेड यानी रंगे हाथ उसे पकड़ लिया गया था। एंड वॉज हैंडेड ओवर टू द पुलिस, और फिर उसे पुलिस को हवाले कर दिया गया था। ही वॉज बैडली बीटन बाय द पुलिस, और उसे पुलिस के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया था। एंड वेन ही वॉज आस्क्ड, और जब उससे पुलिस ने पूछा था, दैट वाई एंड हाउ डिड ही बिकम अ थीफ, कि क्यों और कैसे वह लड़का चोर बन गया, ही ब्लेम्ड हिज मदर, तो उस लड़का ने, राहुल ने अपनी माँ को जिम्मेदार ठहराया, बाई सेइंग दैट, और ये कहते हुए कि इफ शी हैड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम चाइल्डहुड, यदि उसकी माँ बचपन से ही उसे ऐसा करने से रोका हुआ होता, ही वुड नॉट बी अ थीफ, तो वह चोर नहीं बना हुआ होता।
तो इस तरह से आपको स्टोरी को डेवलप करनी है। तो आप अपने लैंग्वेज में, अपने शब्दों में किसी भी तरह का स्टोरी डेवलप करनी हो आउटलाइंस के आधार पर, तो आप आसानी से सबसे पहले क्या करेंगे, एक टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, फिर मिनिमम 3 पैराग्राफ्स में और मैक्सिमम 5 पैराग्राफ्स में स्टोरी को अपने तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जो वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें जो आपको स्टोरी राइटिंग का तरीका बताया गया, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्सप्लेन करके, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी तरह से आप मुझसे जुड़े रहें, और जितने भी वीडियोस पब्लिश किए जा रहे हैं वो सारे वीडियोस टाइम टू टाइम प्ले करके आप देखते रहें, सुनते रहें और समझते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।